महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज जूनियर डिवीजन एनसीसी की भर्ती दिनांक 24 अगस्त 2023 को संपन्न हुई। इसके लिए जो छात्र कक्षा 9 और कक्षा 8 के छात्र एनसीसी लेने के लिए फॉर्म भरे थे, वो अपने प्रवेश पत्र के साथ विद्यालय प्रांगण में उपस्थित हुए। सबसे पहले छात्रों का सिलेक्शन उनके हाइट के आधार पर किया गया। जो छात्र अंडर हाइट थे उन्हें भर्ती प्रोसेस से अलग कर दिया गया। जिन छात्रों की हाइट अनुकूल थी उनको भर्ती प्रोसेस के लिए आगे फॉरवर्ड किया गया। उसके पश्चात छात्रों के फिजिकल चेकअप, जिसमें हाथ में टैटू या किसी प्रकार की हड्डी का टूटापन या पैर का आपस में चिपके होना, इस प्रकार की चीज़ों को चेक करके छात्रों को सेलेक्ट किया गया। उसके पश्चात फिजिकल एक्टिविटीज़ प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत छात्रों की सीटअप, लगभग 35 सीटअप, और उसके पश्चात पुशअप, लगभग 35 पुशअप की प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उनको फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड ग्रुप में बांटा गया और उसके अनुसार उनको अंक दिए गए। उसके पश्चात बारिश अधिक होने के कारण 1600 मीटर की जो रनिंग थी वो नहीं कराई गई, बल्कि उसके स्थान पर 100 मीटर की जो रनिंग थी वह संपन्न कराई गई और छात्रों ने उसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। जो छात्र इन सब प्रतियोगिताओं में शामिल हुए उनके जो आवश्यक प्रपत्र थे, जिसमें उनकी पिछली कक्षा की मार्कशीट, उनका आधार कार्ड, उनकी बैंक पासबुक और प्रवेश पत्र, इन सब डॉक्यूमेंट्स को चेक किया गया और छात्रों के शारीरिक व उनके अंक पत्र पर जो मार्क्स मिले हैं उसके आधार पर छात्रों की फाइनल मेरिट तैयार की गई और उसके आधार पर फाइनल मेरिट के आधार पर छात्रों का सिलेक्शन किया जाएगा। तो जो भी सीनियर डिवीजन के कैडेट आगामी एनसीसी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे वो अपने ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर ही भर्ती प्रक्रिया में आएंगे। धन्यवाद।